हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। आज हम NDA 2 2016 के मैथ्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 61-80 को पार्ट 4 में सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होगा। बगल में बेल का निशान आता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी यहाँ से वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये मैथ्स एंड मोर का फेसबुक का पेज है, इसको भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। Q इज द इमेज ऑफ द पॉइंट -215 इन द प्लेन। ये प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन का इक्वेशन है ये, और इसमें दिया ही आपको पॉइंट क्या दिया है 2 माइनस प्लस 1 माइनस 5। अब इससे ये कह रहा है कि इसका इमेज यहाँ पे Q बन रहा है, ये नहीं पता क्या होगा। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग कर रहा है कि कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द Q का कोऑर्डिनेट ये होगा 4 माइनस 3 और ये माइनस 1। जैसे 4 दिया है माइनस 3 आपका माइनस, ये कह रहा है कि होगा कि नहीं होगा। थर्ड कह रहा है कि द पॉइंट 1 माइनस 1 3 इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू लाइज ऑन द गिवन प्लेन। तो ये प्लेन पे हमने ले लिया, तो हम क्या करें इससे पहले सॉल्व करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये आपका प्लेन पे लाइज कर रहा है कि नहीं। तो इसको 1 माइनस 1 और माइनस 3 को इसमें पुट कर देंगे तो ये आपका सेटिस्फाइड करेगा। 1 पुट करेंगे 3 आएगा, माइनस 1 पुट करेंगे तो आपका प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 5 होगा 5 1 6, और ये पुट करेंगे तो माइनस 6। तो ये पॉइंट जो है आपका 1 माइनस 1 3 इस ये पॉइंट इस प्लेन पे लाइज कर रहा है। तो ये पॉइंट तो प्लेन पे कहीं भी लाइज कर रहा कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। यदि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है तो इससे ये आपका इमेज क्या होगा, जल्दी निकल जाएगा। ये पॉइंट जब ये आपका एम होगा तो, क्योंकि ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है। अब ये पता कैसे करेंगे कि इस ये लाइन पे ये लाइज कर रहा है, ये पॉइंट ये एम है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पीएम ये दिया है, पीएम दिया है, तो पीएम का हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। पीएम का डायरेक्शन रेशियो और ये जो प्लेन का आपका डायरेक्शन रेशियो होता है वो नॉर्मल टू प्लेन बोलते हैं। ये नॉर्मल, ये दोनों एक दूसरे के क्या होगी, पैरल होगी, तो ये प्रोपोर्शनल। तो हमने ये पीएम का डायरेक्शन रेशियो निकाला है, तो यहाँ से इसमें से माइनस किया, 1 में से ये माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस 1 से ये करेंगे ये तो आपका माइनस 2 आएगा, 3 में माइनस 3 में से माइनस 5 करेंगे तो ये आपका ये आ गया। और आपका 3D और वेक्टर का जो वीडियो बनाया हुआ है, तो 3D और वेक्टर के वीडियो में ये सारा बताया हुआ है कि आपका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। तो इस लाइन का जो ये लाइन आपका दिया पीएम का, ये क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हुआ, रेशियो हो गया। अब प्लेन का देखो, नॉर्मल टू प्लेन का डायरेक्शन रेशियो निकालें, ये भी क्या आ गया 3 माइनस 2 और ये 2 ही आ रहा है, इसका डायरेक्शन रेशियो भी यही आ रहा है। तो नॉर्मल टू प्लेन बोलते हैं प्लेन का, ये नॉर्मल टू प्लेन होता है, नॉर्मल टू प्लेन बोलते हैं इसको। तो इसका दोनों का एक दूसरे क्या है, प्रोपोर्शनल है, a1 by a2 b1 b2 c1 by c2। इसका मतलब होगा कि ये जो पॉइंट है इसी पे लाइज करेगा, प्लेन पे लाइज, इस लाइन पे भी लाइज करेगा। तो ये पहला, ये थर्ड पार्ट इसका क्या है, सही है कि मिड पॉइंट होगा, और ये मिड पॉइंट होगा तो ये क्यू निकाल लेंगे, क्यू इसको मान लेते हैं। तो इन दोनों का ये क्या मिड पॉइंट होना चाहिए, तो 4 अब करेंगे माइनस 2 तो 2 by 2 ये क्या आएगा, 1 है, क्योंकि मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 by 2, इस तरह y1 + y2 by 2 आएगा, z1 + z2 by 2, फिर ये करेंगे माइनस 3 और प्लस 1 तो -2 by 2 ये -1 आ जाएगा, और -1 और -5 करेंगे तो -6 by 2 -3। तो ये इसलिए ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। अब दोनों के पी क्यू क्या क्या लिए, लेंथ निकालना, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल के देख लेंगे। 4 में से -2 जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, फिर ये -3 और ये -1 करेंगे तो -4, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस ये -1 और ये +5 होगा तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे, ये 36 प्लस 16 प्लस ये 16 तो ये आएगा √68। √68 का रूट जो 8 से क्या होगा, 8 से समथिंग ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 8 होगा ये। तो ये कह रहा है कि जब पी क्यू ऑफ द लेंथ मोर देन 8 यूनिट, तो 8 से क्या है, ज़्यादा आ रही है, पी क्यू जो हमने निकाला 8 से ग्रेटर देन 8 है, तो ये भी करेक्ट है आपका। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 62 उसी का पार्ट है, कह रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो डायरेक्शन रेशियो पी क्यू का हमने यही निकाला है, पी क्यू का हमने डायरेक्शन रेशियो, ये जैसे पी एम का निकाला वही डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, पी क्यू का ये डायरेक्शन रेशियो निकाला करता 3 - 2 और आपका 2। तो यही यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है 3 - 2 2, तो ये इसलिए ऑप्शन ये क्या है, करेक्ट है। अब कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पी क्यू यूनिटी, किसी भी लाइन का आपका डायरेक्शन कोसाइन या प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम मुझे क्या होता है, 1 होता है। l² + m² + n² की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो ये किसी भी लाइन के लिए इसलिए भी क्या है, करेक्ट है, इसलिए बोथ 1 and 2। इसमें ये लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस
एंड दिस, ये दोनों प्लेन के पैरेलल है, कर रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन। ये जो दो प्लेन दिया हुआ है ये दोनों इंटरसेक्ट करें, एक प्लेन ये दिया हुआ है एक प्लेन ये दिया है, दोनों इंटरसेक्ट करें तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगी, दो जैसे आप कोई बुक का पेज खोलते हो दोनों साइड से, दो प्लेन दोनों बुकों को मान, दोनों पेजों को मान लो, तो जो आप दोनों पेज मिलते हैं वो क्या हुआ, लाइन एक बन गई। तो ये लाइन का आपका क्या निकालना है, ये डायरेक्शन रेशियो निकालना है कि ये जो दोनों प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करें, तो लाइन ये हो गई, इसका हमको क्या निकालना है, इसका डायरेक्शन हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। इसका डायरेक्शन से ए बी सी ले लो, तो कोई भी ये जो लाइन है ये किस पे, प्लेन पे लाइज कर रही है, कोई भी ये प्लेन दिया इस पे लाइन लाइज करती है तो इसका लाइन का डायरेक्शन रेशियो और ये प्लेन का डायरेक्शन से क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू प्लेन, तो इस पे परपेंडिकुलर होता है। जब लाइन जो है किसी प्लेन पे लाइज करती है तो डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर होता है, तो फार्मूला लगता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, ये परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है। ये पहले मैं जो आपका वेक्टर और थ्रीडी का वीडियो बनाया उसमें आपको बता रखा हूँ। अब इससे आप चेक करेंगे तो ए बी सी से क्या होगा, ए बी सी ए तो ये जो प्लेन ये जो लाइन है इस पर भी परपेंडिकुलर होगी, इस पर भी परपेंडिकुलर होगी, तो ए वन ए टू इसका डायरेक्शन से वन 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 है, तो ए से इंटू होगा वन में, बी से वन में और सी से वन में, तो ए प्लस बी प्लस सी ये जीरो हो जाएगा इस फार्मूले से। और उसी तरह ये ए बी सी का इसमें इंटू करेंगे कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये आएगा, क्योंकि जो कोफिशियंट होता है एक्स का वाई का जेड का यही क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। ये इसका ये टू है, इसका माइनस वन है, इसका माइनस टू है, इसे इंटू करोगे तो आपका टू आ जाएगा, माइनस वन आएगा और माइनस टू सी इक्वल टू जीरो, इस फार्मूले में पुट किया हमने ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो ए बी सी ये लाइन का और ये प्लेन का ले लिया। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते ए अपान आएगा, ये जब लेते हैं तो ये हिडन हो जाता है, यहाँ पे ये चीज़ हिडन हो जाती है, तो ये यहाँ इंटू करते हैं, ये वन बी का कोफिशियंट वन है, यहाँ माइनस टू तो माइनस टू और माइनस वन, तो ये माइनस ये वन आएगा तो प्लस वन हो जाएगा। और फिर बी अपान जब करते हो तो बी को हिडन कर लेते हैं, तो बी में ये ध्यान रखना होता है कि पहले इससे इंटू होता है, ये माइनस टू और वन करेंगे तो टू आएगा और फिर माइनस आएगा बीच में, माइनस टू वन का माइनस टू तो ये प्लस हो जाएगा। और सी अपान जब करते हो सी को हिडन करते हैं तो ये इधर से इंटू होगा, ये वन इंटू माइनस वन होगा और माइनस बीच में आएगा तो टू, ये माइनस टू आ जाएगा। तो ये आप करोगे तो ए बाई माइनस वन बी अपान फोर सी बाई, तो ये आपका क्या आ रहा है यहाँ से देखो तो माइनस वन फोर और माइनस थ्री, ये आपका आ रहा है डायरेक्शन रेशियो, बट इसमें ऑप्शन देखो कहीं नहीं दिया है। तो डायरेक्शन रेशियो बता दो कि आपको प्लस माइनस करके आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, अभी जैसे ये नहीं आ रहा तो इसको सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अब प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो, तो ये ऑप्शन देखो मिल रहा है वन माइनस फोर और थ्री, वन माइनस फोर और थ्री, तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। इसमें ये ट्रिक है कि ये जब नहीं मिल रहा है आपको तो कोई भी जैसे आपने निकाला वो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, किसी का डायरेक्शन जैसे प्लस माइनस ये प्लस माइनस जैसे आता है कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो पूरे को प्लस है और इसको यदि नहीं मिल रहा तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका डायरेक्शन जैसे हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसमें ये होगा। अब इसको ट्रिक से सॉल्व करना हो तो कितना आसान है देखो, बता रहा हूँ सॉल्व करना, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप प्लेन देखा आपने यहाँ पे, अब पता है कि जो प्लेन का इसमें डायरेक्शन रेशियो आएगा इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका इनका इसका डायरेक्शन वन 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 और इसमें से किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम कितना आना, जीरो आना चाहिए। जैसे इसको ए वन बी वन सी वन ले लो, इसको ए टू बी टू सी टू ले लो, तो ये फार्मूले पाना चाहिए, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू सी वन सी टू, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे वन से तो ये तो सब कुछ सेम रहेगा, वन से करोगे तो इसमें, तो इसमें देखो चारों में किसको सम करोगे तो आपका जीरो आएगा, इसका सम जीरो नहीं होगा, इसमें चारों को सम करोगे ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये वाला सम जीरो हो जाएगा, वन प्लस थ्री फोर और माइनस फोर जीरो, तो ये इसलिए ऑप्शन हो जाएगा। ये ट्रिक से कर सकते हैं, सी होता है ये ट्रिक से, जिसको समझ में आ गया वो ट्रिक से बहुत जल्दी कर लेगा क्वेश्चन, इसके डायरेक्शन रेशियो से इसमें मल्टीप्लाई करके एक भी परपेंडिकुलर में जीरो आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 करना है, कह रहा है कि ये लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वही अब पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस, तो प्लेन से पैरेलल तो वही लाइन जो आपका आया था जो डायरेक्शन रेशियो वही डायरेक्शन रेशियो आएगा। तो इसमें अब और ये लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। अब इसको आप माइनस करो तो एक्स माइनस फाइव अपॉन ये आ जाएगा, ये माइनस वन एक्स तो माइनस प्लस ये सिक्स हो जाएगा और जेड माइनस थ्री, ऑप्शन इसमें क्या होगा, ए दिया है, बी दिया है और बी इक्वल टू सी प्लस डी दिया है, सी जो पैरेलल टू ए है और डी जो है ए पे परपेंडिकुलर है, तो सी कोई वेक्टर एक वेक्टर पे से पैरेलल होता है तो सी जो होगा लैम्डा ए हो जाएगा, क्योंकि सी जो ए से पैरेलल, क्योंकि ए दिया है आपको यहाँ पे, तो ये लैम्डा इनटू क्या हो आई प्लस जे हो जाएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा से तो ये सी की वैल्यू है। अब डी
यहाँ से निकालना हो तो b प्लस b इक्वल टू c प्लस डी दिया है, तो d निकालना हो तो b माइनस सी हो जाएगा, तो b माइनस सी हो गया d, b की वैल्यू आपको दे रखी और c की वैल्यू हमने निकाल लिया। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा, i से हम करेंगे i से माइनस तो 3 माइनस लैम्डा आई कैप हो जाएगा, और ये माइनस इंटू करेंगे तो माइनस लैम्डा जे कैप हो जाएगा, प्लस ये 4 के कैप हो जाएगा। ये आ गया डी की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा के फॉर्मेट में। अब ये दिया है कि डी जो है ए पे परपेंडिकुलर है, तो डी परपेंडिकुलर तो डी डॉट ए कितना हुआ, जीरो हो जाएगा। एक वेक्टर दो पे परपेंडिकुलर होता है तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इससे डॉट निकालने के लिए क्या होता है, इसके आई कैप से इसके आई कैप से मल्टीप्लाई होगा। ए जो दिया ए इक्वल टू दिया आपका आई प्लस जे, इसका वन है इसका वन, वन से यहाँ वन में इंटू होगा तो यही आ जाएगा, और यहाँ वन है तो वन से इसमें माइनस करेंगे तो माइनस लैम्डा जाएगा, इसमें क्या है प्लस जीरो के, तो जेड ये आपका यहाँ के का कोफिशिएंट जीरो है, यहाँ पे जीरो फोर से जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो होगा तो इसमें टू लैम्डा थ्री, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये लैम्डा की वैल्यू 3/2 यहाँ पुट कर देंगे तो 3/2 आई प्लस जे ये आपका हो जाएगा सी की वैल्यू, जो इसमें सी की वैल्यू पूछ रहा है तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन इसी का है कि यही सब सब कुछ दिया है, सेम आपका डेटा दिया है। डी कह रहा है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया, देन दे वैल्यू ये निकालनी है, तो डी हम यहाँ निकाल लेते हैं कि 3 माइनस लेमडा आई, ये हमने पीछे निकाल रखा है सारा। अब लेमडा के वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, 3 माइनस ये लेमडा, ये लेमडा यहाँ पुट कर दिए 4 हो गया, सिम्प्लीफाई करेंगे तो 3/2 आएगा, ये 3/2 और डी की वैल्यू दिया है एक्स आई वाई जे और जेड के, तो इसे कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू 3/2 आएगी, वाई की वैल्यू -3/2 आएगी, जेड की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। अब ये कह रहा है y माइनस एक्स, वाई में से इसको x को माइनस करूँ तो माइनस ये अब 4 नहीं आएगा, इसलिए गलत है। और 2z की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 2 4 8 -3 0, तो ये भी गलत है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी होगा, नाइदर वन नॉट टू। ये दो क्वेश्चन के लिए फिर दिया हुआ है, ए बी सी आर द थ्री वैक्टर्स, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, या मॉड ए मॉड बी मॉड सी दिया है, तो ये डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, जिसको पता हो ये डायरेक्ट टू इसकी वैल्यू जो होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन टू आता है माइनस में, ये डायरेक्ट ये फार्मूला आता है यहाँ पे, इसको पता हो। वैसे ही मैं बताते हैं ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है, इसका मॉड ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, फिर इसको हमने स्क्वायर कर दिया तो ये दोनों का ये स्क्वायर हो गया, इसका फिर स्क्वायर ही क्योंकि मॉड ए का स्क्वायर जो होता है ये डॉट ए होता है, तो ये दोनों का डॉट आ गया इक्वल टू जीरो हो गया। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए स्क्वायर, ए से ए इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ये आपका ए बी और ए सी आ जाएगा, इस तरह आपका बी से करेंगे तो बी बी ए बी सी, तो ये बनता है 2ab 2bc 2ca बनेगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं उस तरह आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, इस तरह आप करोगे तो ये आएगा। अब ये ए डॉट ए आपका मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर ए बन गया आपका, ये निकालना है, टू कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट सी आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा सब पे, और इधर जाके माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये टू से क्या हुआ डिवाइड हो गया, तो ये टू इधर आ गया यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 100 आ गया, ये 636 आ गया, ये आपका 196 आ गया, सबकी 10, 6 और 14 की वैल्यू पुट कर दिया, सबको ऐड कर दिया तो 332 आएगा, 2 से डिवाइड तो -166, ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जिसके बीच एंगल निकालना होता उसको इधर रखो लेफ्ट में, बाकी को इधर जैसे बी और सी का पूछता तो बी प्लस सी रखते हैं, ए को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, फिर इसको मॉड ले लिया तो ये प्लस बी प्लस ए प्लस बी का मॉड ये सी हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड लेंगे स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वही बताया था अभी कि स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ए डॉट बी ए प्लस बी का डॉट और ये ए प्लस बी का डॉट, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, मॉड सी का स्क्वायर होगा, इसको स्क्वायर करूँ वही मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और 2a.b आएगा यहाँ पे, तो ये ए की वैल्यू पुट कर दिया, बी की 100 हो गया 36 हो गया, ए डॉट बी फिर क्या होता है, ए डॉट बी निकालते हैं तो ये आपका ये फार्मूला होता है मॉड ए मॉड बी, ये आपका होता है कॉस थीटा। अब ये 2 की वैल्यू ये मॉड ए मॉड बी की वैल्यू ये सब दे रखी है, 10 और 6 पुट कर दिया, ये सी की वैल्यू पुट 196 हो गया, ये दोनों इधर ट्रांसपोज हो गए तो ये आप ये दोनों मिलकर 136 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 60 इधर, और ये 2 ये ए और ये बी की वैल्यू ये मॉड की पुट कर दिया, कॉस थीटा ये नीचे आपका डिवाइड हो जाएंगे तो 1/2 आएगा, सिम्प्लीफाई करके 0 0 कट गया, 6 6 1/2, अब 1/2 होता है कॉस आपका π/3, 60 की वैल्यू होती है, इसलिए थीटा की वैल्यू 69 क्वेश्चन है। इन राइट ट्रायंगल एबीसी इफ हाइपोटेन्यूज ए वी इक्वल टू पी, इसका मैग्नीट्यूड पी दिया हुआ ए वी का, तो ए वी ये कितना है पी है, तो ये बट में चलो ये सी होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, करें कि देन व्हाट इज ए बी डॉट ए सी वैक्टर बी सी डॉट बी ए और सी ए डॉट सी बी निकालना इक्वल टू। अब यहाँ से देखो इसका मैग्नीट्यूड पी दे रखा है आपका, ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं,
तो ये जो आपका ए सी का मैग्नीट्यूड आएगा पी क्या आएगा कॉस थीटा आएगा इस साइड में, और इसका बी सी का जो मैग्नीट्यूड ये होगा पी का आएगा साइन थीटा। तो ये मैंने लिख लिया ए बी पी दिया हुआ है, इसका ए बी का मैग्नीट्यूड और ए सी आपका होगा पी कॉस थीटा होगा, बी सी का ये होगा पी साइन थीटा, समझ में आ गया। अब जो यहाँ निकाला है देखो तो ए डॉट बी का फार्मूला लगेगा ए मॉड बी क्या होता है आपका डी आपका कॉस थीटा आएगा। तो ये आपका ये आएगा तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ए सी इंटू क्या आएगा कॉस थीटा, क्योंकि इसके बीच में ए बी और ए सी के बीच में एंगल क्या है आपका थीटा दिया हुआ है। और फिर इस तरह निकालोगे बी सी और सी ए, तो बी सी और ये बी ए इधर से लेंगे तो इसके बीच में एंगल ये थीटा है ये 90 है, तो ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा आएगा। तो ये आपको वही बी ए बी सी इंटू बी ए और ये कॉस क्या आएगा 90 माइनस थीटा, इसके बीच में दोनों के एंगल 90 माइनस थीटा है। और ये जब निकालेंगे आप सी ए और सी बी तो इन दोनों एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो ये करेंगे सी ए डॉट सी बी ये कॉस 90 है कॉस 90 जीरो, इसलिए हमने इसको जीरो लिख दिया। अब वैल्यू केवल पुट कर देंगे ए बी की का ये पी है और ए सी आपका यहाँ से दिखाया था पी कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा आपका ऑलरेडी है, बी सी की वैल्यू यहाँ से पी साइन थीटा है, यहाँ बी ए की वैल्यू ये पी है, बी और ए बी एक ही चीज़ होगी और ये कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, ये पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया पी इंटू पी पी स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई थी, ये हो जाएगी पी स्क्वायर ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। ये फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द पॉइंट दिस, वट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट दिस, ये कोई पॉइंट दिया है यहाँ पे पी, ये पॉइंट आपको दे रखा है ये और ये फोर्स दे रखा है, इसमें ये कह रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट हमको क्या निकालना है मोमेंट निकालना है। ये पी पे आपका लग रहा है फोर्स लग रहा है, यहाँ पे पी पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट के अराउंड निकालना है अबाउट इस पॉइंट के निकालना है, तो इसको ओ मान लें और ये तो हम ओ पी ये आर हो गया आपका, तो ये आर निकालेंगे ये आर वेक्टर ये बनेगा आपका, तो आर वेक्टर जो ओ पी लिख लेगा वन में से टू माइनस होगा तो माइनस वन आई कैप हो जाएगा, फिर ये माइनस वन में से माइनस वन करेंगे तो जीरो हो जाएगा जीरो आई, टू में से थ्री करेंगे तो माइनस वन के कैप आ गया, तो ये आर की वैल्यू आ गई और ये एफ की वैल्यू दे रखी है यहाँ से, तो आर क्रॉस एफ निकालेंगे तो आई जे के ये डिटरमिनेंट बन जाता है। आर का कोफिशियंट क्या है आपका माइनस वन है यहाँ पे जीरो है फिर ये माइनस वन है यहाँ पे, और एफ का कोफिशियंट यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे टू है यहाँ पे माइनस फोर है, तो ये इसको सॉल्व कर लिया डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते तो आई से करेंगे ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसे आपका आएगा जीरो हो जाएगा माइनस ये टू आपका माइनस टू आएगा प्लस टू आएगा फिर ये माइनस जी आएगा ये रो कैंसिल हो जाएगा तो माइनस प्लस फोर हो जाएगा और ये माइनस तो माइनस थ्री ये प्लस थ्री हो जाएगा, और के करेंगे तो ये रो कैंसिल हो जाएगा ये तो आपका आएगा माइनस टू आ जाएगा और ये आपका माइनस जीरो है तो ये आ गया, तो ये आपका आ जाएगा टू आई कैप माइनस फोर थ्री सेवन के कैप और ये माइनस टू के कैप, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। डोमेन क्या हुआ एक्स, एक्स की वैल्यू इसमें क्या पुट, तो हम ऑप्शन से करने तो जल्दी समझ में हमको आ जाएगा, जैसे ये दिया माइनस इन्फिनिटी से आपका जीरो, तो जीरो से इधर आपका आ रहा है माइनस इन्फिनिटी और इधर जाएगा प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ये इसमें हमको कोई भी पॉइंट इधर लेके जैसे मान लो माइनस थ्री हम लिए हैं तो माइनस थ्री यहाँ लेंगे तो क्या होगा मॉड जो लिखेंगे तो ये थ्री हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस होगा तो सिक्स हो जाएगा, तो ये आपका ये आपका माइनस इस इंटरवल में क्या हो रहा है डिफाइन हो रहा है। इसमें मान लो आप चेक करते हो जीरो और ये जीरो इधर थ्री जैसे ले लिया तो थ्री ये आपका मॉड थ्री थ्री होगा और माइनस थ्री ये जीरो हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, और जीरो और वन के बीच में कोई वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू जब भी लेंगे इसमें तो मॉड तो प्लस आएगा और ये वैल्यू तो दोनों ये जीरो हो जाएगा, इसमें भी वन से ग्रेटर हम वन से ग्रेटर कोई वैल्यू लिया जैसे थ्री पे लिया तो ये भी नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा, ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज ये जैसे दिया मॉड एक्स माइनस एक्स तो ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो ये आपका मॉड एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन एक्स होनी चाहिए। अब मॉड एक्स क्या होता है एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो प्लस एक्स आपका एक्स ग्रेटर देन नहीं हो माइनस एक्स लेंगे पहले माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या हो एक्स इधर चला जाएगा तो जीरो ग्रेटर देन कितना हो एक्स एक्स टू एक्स हो जाएगा, तो मेरे टू एक्स आपका कितना होगा लेस देन क्या होगा जीरो होगा, मतलब एक्स देन लेस देन कितना होगा जीरो होगा, मतलब जीरो से क्या होना चाहिए छोटी वैल्यू, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये दिया 72 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू एफ एक्स दिया है ये टू प्लस x और 2 माइनस x, x ग्रेटर देन जीरो के लिए या x लेस देन जीरो के लिए, कैसे ग्राफ बनेगा ये 2 से ही जाएगा x जैसे जीरो में पुट करेंगे तो 2 आएगा और 2 से जब कभी ग्रेटर जाएगा तो ये प्लस होता जाएगा तो x प्लस 2 इधर जाएगा और 2 माइनस करेंगे x की वैल्यू माइनस से पुट करेंगे तो इस साइड आएगा, तो ये ग्राफ जो है एक्चुअली क्या है y इक्वल टू 2 प्लस मॉड x का ग्राफ है। अब x की वैल्यू जब प्लस लेंगे तो 2 प्लस x की वैल्यू मॉड x की माइनस लेंगे तो 2 माइनस x हो जाएगा। अब इसमें आते हैं देखते हैं, कह रहे हैं कि लिमिट एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट x टेंस टू 1, जब ग्राफ हमारा हो जाता है बहुत क्लियर हो जाता है, देखो x इक्वल टू 1 यहाँ आएगा तो 1 पे ये क्या हो रहा है देखो लिमिट क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ये 1 पे आपका ये कंटिन्यूस ऐसे जा रहा है तो लिमिट इस पे दोनों साइड ही एग्जिस्ट करेगी, तो ये कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट,
क्योंकि वन पे जो आपकी लिमिट आएगी इसमें, इस पे आएगी या एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, तो वन पुट करो वो लेफ्ट में तब भी थ्री आएगी, राइट में पुट करो तब भी थ्री। तो ये क्या करेगा, ये लिमिट जो एग्जिस्ट करेगी, बट इसमें कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए क्या है ये गलत है। कह रहा है एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। कोई भी मॉडलस फंक्शन होता है, जैसे वाई इक्वल टू हमने मॉड लिया एक्स प्लस थ्री, तो ये जैसे इस एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो पुट करो तो एक्स माइनस थ्री, माइनस थ्री पे क्या होगा, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा। उस तरह ये फंक्शन देखो मॉड क्या एक्स है, तो मॉड एक्स ये इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ऐसे भी देखो एक्स पे ये डिफाइन किया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, टू का जीरो तो ये प्लस वन आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या माइनस वन आ गया। तो ये देखो ये प्लस वन आ रहा है, ये माइनस वन आ रहा है, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा। एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू आपका जीरो। वैसे ही आपका लंबे तरीके से करेंगे तो फार्मूला भी होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, ये हम ऐसे लेते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच होता है, और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच होता है। तो इसमें भी हम पुट करके देखेंगे तो ये आपका डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा, तो इसलिए क्या है ये गलत है। सेकेंड ये आप कह रहे हैं कि एफ एच का डिफ्रेंशिएबल, इसलिए ये भी सेकेंड में गलत है। एफ एच इज कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन क्या है ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि जीरो कोई भी मॉडुलस फंक्शन जो होता है जो एक्स, ये जैसे एक्स इक्वल टू दिया प्लस थ्री तो पुट कर दोगे थ्री तीस पे क्या कॉन्टिन्यूस होता है बट डिफ्रेंशिएबल नहीं होता, इसलिए थर्ड क्या है सही। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बी वनली थ्री क्या है सही है। एफ ए टू आर दिया है, ये जो दिया है आर माइनस ये जीरो, मतलब जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ये आर माइनस आपका क्या है जीरो है। तो इसमें कह रहा है कि इन सच दैट ये एफ एक्स जो दिया है एक्स प्लस मॉड एक्स अपॉन एक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कह रहा है कि ये इसमें होगा, कह रहा है सेट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये इसमें होगा इसमें होगा इसमें होगा इसमें। अब देखो ये हमने ये बनाया है इसको, ये जब एक्स लोगे ये एक बार प्लस एक्स आएगा, माइनस प्लस एक्स आएगा तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स बाई टू, तो ये टू आएगा ये हमेशा। एक्स जब ग्रेटर देन जीरो लोगे तो हमेशा टू आएगा यहाँ पे, और एक्स जब ये आप लोग माइनस एक्स लोगे तो एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, तो ये आपका क्या जीरो आएगा, जब मतलब ये आपका एक्स की ये जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जीरो जब हो जाएगा ये तो ये नॉट डिफाइन है, इसलिए आर जो होगा पूरा डोमेन इसका आर। अब ये कह रहा है कि किस में कॉन्टिन्यूस होगा, तो जो ये है इसी में ये कॉन्टिन्यूस होगा। देखो यहाँ से देख रहे हो जीरो से इधर ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और जीरो से लेफ्ट में भी पूरा फंक्शन है, इधर कॉन्टिन्यूस इधर भी कॉन्टिन्यूस है, जीरो पे केवल नहीं है। तो ये जो इसका डोमेन जिसमें कॉन्टिन्यूस कर रहा है तो यही होगा जो ए आर माइनस जीरो, जीरो के अलावा सब में ये क्या कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे ये बी दिया है या क्या दिया एक्स ग्रेटर देन, ये तो इक्वल टू जीरो पता ऐसे फंक्शन नहीं डिफाइन होगा तो कॉन्टिन्यू, और ये भी इक्वल टू दिया है इस पर भी नहीं होगा लेफ्ट और राइट पे, तो इसलिए तो ये दोनों ऐसे गलत हो गए, और आर पूरे आर में ये क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा जीरो पे, इसलिए ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नहीं। ऑप्शन से भी देख के हम समझ सकते हैं, ये तो मैं इतना समझाने में लगाया हूँ कि आपको सिंपल ये पता है कि ये जीरो इसमें भी जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इसमें भी जीरो आएगा, तीनों या इसमें जीरो आ रहा है इस, तो ऐसे नहीं ये डिफाइन करेगा तो कॉन्टिन्यूस इसलिए इसी में होगा। और ये मैं बेसिक समझाता हूँ थोड़ा आप लोगों को कि ग्राफ ये कैसे इसका बनता है, ये जब आप समझ लोगे मॉडुलस फंक्शन का, कोई भी ग्राफ का ट्रेसिंग करना आता तो काफ़ी और भी क्वेश्चन इस पर रिलेटेड आएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू द फंक्शन एफ एक्स दिया है। अब एफ एक्स फंक्शन दिया है ये एक्स क्यू साइन एक्स, साइन एक्स जो होता है आपका ये लाइज करता है माइनस प्लस वन और माइनस वन के बीच में, तो हम एक्स क्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब ये फंक्शन जो हो गया एफ एक्स हो गया ये, तो एफ एक्स जो आपका किसके बीच लाइज करेगा एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें ये कह रहा है कि जैसे इट इज़ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल जीरो लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल जीरो, तो ये दोनों एक साथ तो होगा नहीं कभी, तो ऐसे दोनों इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं कि दोनों एक साथ तो जीरो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नहीं होगा, ऐसे ही गलत होगा। और इसका ग्राफ जो बनेगा आपका जैसे साइन का ग्राफ बनेगा, तो जैसे ही जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे एक बार में ऐसे आएगा फिर अगले में ये बड़ा छोटा, क्योंकि ये जैसे जैसे वैल्यू इसकी बढ़ती चली जाएगी एक्स की वैल्यू, तो ये आपका अगले अगले पर ग्राफ आपका बड़ा छोटा इधर आपका छोटा बड़ा होता चला जाएगा। तो इस तरह ये जैसे कह रहा है कि इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट वन, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी एक्स क्यूब की, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे मैक्सिमम वैल्यू आपकी चलती चली जाएगी, तो इसलिए इसके मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइन नहीं है मिनिमम वैल्यू भी डिफाइन नहीं है इस पे, तो इसके मैक्सिमम वैल्यू ये भी गलत है, ये दोनों पलग, तो ये बचता है कि इट हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे ऐसे ग्राफ आएगा तो ये ना मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा, इसलिए ऑप्शन इसमें सी है। मॉड वाई को लिखोगे प्लस माइनस वाई आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक बार प्लस लेंगे तो वन माइनस
y इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस लेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा। इससे हमारा ये क्या पैराबोला बनता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वाई होगा, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो y माइनस वन, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो आपका होगा ये माइनस वाई बनेगा पैराबोला ये, तो आपका ये आपका डाउनवर्ड आएगा, और यहाँ से जो आपका आएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आपका वाई हो गया, तो ये आपका अप जाएगा। अब ये हमारा वर्टेक्स क्या होगा, तो इसको हम जीरो पुट करते हैं, y माइनस वन जीरो, तो y की वैल्यू वन आ गई, तो ये जीरो कॉमा वन हो गया, जीरो कॉमा वन वन ये वर्टेक्स हो गया, तो ये पैराबोला जो बन गया आपका ये y इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर जो ये आ रहा था पहले, ये वाला ये आ रहा था ये, और दूसरा जो पैराबोला बनेगा इसमें वाई ये आ रहा है, तो वाई प्लस वन को हम पुट करेंगे, तो वाई की वैल्यू इसमें माइनस वन आएगी, तो आपका जीरो कॉमा माइनस वन ये बनेगा, तो ये जो पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर ये बनेगा आपका यहाँ पे। अब ये आपका सिमेट्रिक होगा इस साइड के, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक और सेम इधर से ये सिमेट्रिक होते हैं, चारों ही जो एरिया आएंगे सेम आएंगे, इसी एरिया हमको निकालना है, इसके बीच कह रहे हैं कि बाउंडेड बाय द एरिया, तो यहाँ से एक एरिया निकाल के इसका एरिया निकाल के उसका हम फोर टाइम कर देंगे, तो फोर हो गया, फोर इंटू ये जीरो हो गया, ये वन है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, वाई दोनों सेम है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन होगी, ये वन इधर कट करेगा माइनस वन इधर कट करेगा, तो लिमिट आपकी जीरो से वन हो गई, ये जीरो से वन लिमिट हो गई, वन माइनस एक्स स्क्वायर ये पैराबोला ऊपर वाला पैराबोला ये आ रहा था, ये पैराबोला लेंगे वाई वाई डी एक्स आता है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर एरिया निकालेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, वन का एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई थ्री हो गया, जीरो से वन लिमिट लग गया फोर, तो वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन बाई आपका थ्री आ जाएगा, जीरो पुट करेंगे जीरो माइनस तो जीरो का नहीं लिखा हमने, तो ये टू बाई फोर इंटू टू बाई थ्री एट बाई थ्री, तो आंसर इसमें हो जाएगा बी। ये दिया है कंसीडर दो क्वेश्चंस के लिए, एफ एक्स दिया है, ये जो दिया है कि माइनस वन और टू के बीच लाइज कर रहा है, और ये टू और थ्री के बीच लाइज कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एफ एक्स इंक्रीजिंग एन इंटरवल माइनस वन से टू के बीच में इसमें पूछ रहा है, और टू और थ्री के बीच ये पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग होगा। इसको देखो सिंपल क्या होता है कि जो फंक्शन दिया इसको हमने एफ डैश एक्स निकाला, तो ये क्या होगा थ्री टू या सिक्स एक्स और प्लस क्या आएगा ट्वेल्व, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस वन आ रहा है। अब इस एफ डैश एक्स में इस इंटरवल में कोई वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, जब पॉजिटिव हुआ तो क्या इंक्रीज होगा, निगेटिव है डिक्रीज, कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके हम देखेंगे तो ये क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, एक्स की वैल्यू कोई इसके बीच लेकर पुट करके देख लेंगे हम, वन पुट किया या वन भी पुट करेंगे तब भी ये पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए इसमें क्या होगा इंक्रीजिंग होगा ये, इसमें डिक्रीजिंग का तो निगेटिव बनती है, इसमें ये माइनस बना रहे तो ऑलरेडी ये निगेटिव है, कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इसमें निगेटिव ही आएगा क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये क्या होगा ये भी डिक्रीजिंग, इसलिए ये भी क्या है दोनों क्या है करेक्ट है, तो इसमें बोथ होगा ऑप्शन करेक्ट पूछ रहा है, तो वन एंड टू यहाँ पढ़ लेना चाहिए करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी कि ये दिया और ये दिया, वो पीछे वाला क्वेश्चन है करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, तो टू पे हमको कंटिन्यूअस चेक करना है, तो इस पे लिमिट निकालेंगे वही टू इसमें पुट करेंगे तो ये आपका 35 आ जाएगा, ये पुट करके देख लिया, और यहाँ पुट करेंगे तो इसमें भी 35 आएगा, इसलिए फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, हम इसको चेक भी करेंगे तो ये पुट करके भी चेक कर लेते हैं और ये इक्वल नहीं आता तो फिर हम उसको भी चेक करके देख लेते हैं, बट ये कंटिन्यूअस होगा ये शॉर्टकट में लगाना हो तो, और अटेंडेड मैक्सिमम वैल्यू ये टू, टू पे इसकी वैल्यू हम पुट किए हैं क्योंकि ये फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, पीछे हमने अभी किया है तो इंक्रीज करेगा फंक्शन, तो टू पे ये माइनस वन से टू पे इंक्रीज कर रहा है, तो टू पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है 35 आ रही है, और इसमें टू पे कितनी आ रही है आपकी, इसमें भी आ रही है आपका 35, और क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज इधर से माइनस थ्री पे क्या वैल्यू कम आ जाएगी, इसलिए इसमें एफ एक्स अटेन द ग्रेटेस्ट वैल्यू है टू, तो ये टू पे ग्रेटेस्ट वैल्यू थी, इसलिए पहला भी सही था आपका, दूसरा कह रहा है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू, टू पे देखो ये हम फंक्शन टू पे ये यहाँ पे आ रहा है, टू पे ग्रेटर देन लेस देन पे ये आएगा और टू ग्रेटर देन पे ये आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसमें ये आ रहा है सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व और इसमें आ रहा है माइनस वन, टू इसमें पुट करेंगे टू पे तो इसमें वैल्यू अलग आएगी, इसमें वैल्यू अलग आएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग आएगा, इसलिए डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए ये थर्ड क्या है गलत है, इसलिए ऑप्शन वन एंड टू इसमें सही है, वन एंड टू वन ए होगा आप। ये आपका थ्री क्वेश्चन के लिए दिया है, एफ एक्स दिया है ये मॉड एक्स माइनस वन का ये होल स्क्वायर दिया है ये पूरा, अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे देखेंगे, मॉड एक्स दिया है तो मॉड एक्स इक्वल टू ये तो एक्स की इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जीरो पे ब्रेक होगा ये, और ये दिया मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू वन पे ब्रेक होगा, ये नंबर लाइन आपका बना दिया है यहाँ पर हमने, तो जीरो और ये वन वन पे ब्रेक हो रहा है जीरो पे, तो ये हमारा तीन बनेगा इसमें,
एक्स लेस देन जीरो इधर आएगा और एक्स ये जीरो और वन के बीच लाइज करा और एक्स ग्रेटर देन वन होगा, लेस देन होगा ये और ये एक्स ग्रेटर देन ये वन के लिए आएगा यहाँ पे, और एक्स इसमें लाइज करेगा जीरो और वन के बीच में और एक्स ये लेस देन जीरो होगा। तो इस पहले हम एक्स लेस देन जीरो के लिए निकाल रहे हैं, तो एक्स लेस देन जीरो के लिए इसकी जो वैल्यू आएगी मॉड की वैल्यू ये आपकी एक्स और माइनस एक्स आती है, तो एक्स लेस देन जीरो आएगी और एक्स ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगी, तो इसमें वैल्यू एक्स आएगी आपकी लेस देन पे क्या आएगी माइनस एक्स आएगी, और ये लेस देन माइनस वन इसकी दो वैल्यू आएगी एक्स माइनस वन आएगी और माइनस तो वन माइनस एक्स आएगी, ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए होता है एक्स लेस देन वन के लिए, तो वन से छोटे क्योंकि जीरो से छोटा था ये अलग वैल्यू आएगी वन माइनस एक्स यहाँ पुट करेंगे, तो वन माइनस एक्स पुट कर दिया हमने, यहाँ पे माइनस होगा माइनस एक्स और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस वन प्लस वन तो ये कट गया एक्स एक्स तो ये माइनस वन का स्क्वायर आएगा तो ये वन हो गया, ये एक्स लेस देन जीरो के लिए फंक्शन के पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई वन हो गई। उस तरह एक्स जब आपका जीरो और वन के बीच लाइज करेगा तो ये जीरो और वन के बीच लाइज जब करेगा तो एक्स यहाँ पे जीरो से और वन के तो ये एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन आएगी जीरो, ग्रेटर देन जीरो पे एक्स की वैल्यू ये मॉड एक्स की वैल्यू एक्स आएगी और ये इसकी लेस देन के वाली वैल्यू आएगी वन वन माइनस एक्स आएगी तो वन प्लस एक्स हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दिए ये वैल्यू आएगी वन माइनस एक्स तो माइनस लगेगा तो ये माइनस हो गया ये प्लस हो जाएगा ये आपका आ जाएगा, तो ये एक्स एक्स टू एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन होगा ये जब ये वैल्यू आएगी जीरो और वन के बीच में, और जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा तो दोनों पॉजिटिव आएगी ये भी पॉजिटिव वाला आएगा तो एक्स ये पॉजिटिव आएगा ये एक्स माइनस वन आएगा तो माइनस लिखेंगे तो माइनस एक्स प्लस वन वन से वन एक्स एक्स कट गया तो वन के स्क्वायर वन हो गया, तो इसमें हमारा सिंपली ये फंक्शन जो बन गया यहाँ भी लिख लेते हैं तो ये आएगा वन आएगा फिर यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन आएगा और ये वन आएगा, ये जब आएगा एक्स लेस देन जीरो ये आएगा जब एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच लाइज करेगी और ये आएगा जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करें व्हाट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू व्हेन एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन पे एफ एक्स कितना वन है, वन का डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जीरो हो गया, तो एफ डैश एक्स कितना होगा जीरो होगा, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसमें एफ एक्स वही वाला क्वेश्चन है, करें कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो और वन के, तो अब इसमें एफ डैश निकाला इसका डेरिवेटिव करो इसके बीच वाला डेरिवेटिव तो फोर टू जाए कितना हुआ एट एक्स और माइनस कितना हुआ फोर, तो एट एक्स माइनस फोर ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, केवल ये फंक्शन बनाने लगे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। एफ एक्स दिया है ये वन दिया है जब ये फंक्शन एक्स लेस देन जीरो है और ये आपका फोर एक्स ये दिया है एक्स जीरो और वन के बीच है और वन जो दिया है ग्रेटर देन के लिए है, तो इसमें पूछ रहा है एफ माइनस टू इक्वल टू एफ फाइव, एफ माइनस टू किस में पुट करेंगे लेस देन पे, तो इसमें तो वन ऑलरेडी है ही है और एफ फाइव इसमें पुट करें इसमें वन, तो दोनों क्या है वन इक्वल टू वन आ रहा है इसलिए पहला करेक्ट है। एफ डबल डैश पूछा है एफ डबल डैश माइनस टू, डबल डैश इसमें निकालेंगे माइनस टू तो निगेटिव वाला एफ एफ डैश एक्स जीरो एफ डबल डैश भी जीरो हो जाएगा ये, और एफ डबल डैश ये पॉइंट फाइव तो पॉइंट फाइव इसके बीच लाइज करेगा तो इसमें हमने निकाला यहाँ पे एफ डैश एक्स एट एक्स माइनस फोर एफ डबल डैश निकालेंगे तो ये क्या हुआ एट, इसकी वैल्यू तो जीरो आ गई यहाँ पे और इसकी वैल्यू कितनी आएगी प्लस एट आएगी थ्री, एफ ग्रेटर देन वन में आएगा एक्स ग्रेटर देन वन में तो ये वन है वन का एफ डैश एक्स जीरो एफ डबल डैश भी जीरो होगा तो इसलिए जीरो आ जाएगा, इसलिए क्या आएगा वैल्यू इसमें एट आएगी, इधर क्या दिया फोर दिया तो एट फोर के इक्वल नहीं है इसलिए ये क्या है करेक्ट नहीं है, दूसरा करेक्ट नहीं है इसलिए ऑप्शन इसमें क्या होगा केवल एक सही है फर्स्ट तो मान ली वन होगा इसमें ऑप्शन ए होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने फ्रेंडों में शेयर करें, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, पहली बार आप देख रहे हैं मैं सर मोर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा, जब सब्सक्राइब करते बेल का निशान आता है उसको भी क्लिक कर दें जिससे कि कोई भी वीडियो यहाँ अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैथ्स एंड मोर का फेसबुक का पेज है उसको भी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।